अंकिता मैं मानती हूँ तो उनकी दोस्त है, मैंने भी उन्हें पसंद किया है, मेरा भी फर्ज बनता है। यार वो है ही ऐसे, ठीक है, जो देखे वो पसंद कर ले। होते हैं वो मेरे आगे कि मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते, बुरा लगता है यार। डोंट लव प्लीज़ यीशु, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। नहीं जानते किसी की चालाकी, सच बताऊँ तो उनको जैसा बोलोगे ना वो वैसा ही कर देंगे। जय बाबू की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी शिकू फ्रेंड है, जो इशू स्कूल फ्रेंड है, वो मिली सुजीत से भी मिली थी और मुझसे भी मिली थी। पहली वीडियो में आपने देखा होगा वो चुपके से मिलने आई थी, पर वो जानती नहीं है उस इंसान के बारे में। वो पसंद करने लग गई है, उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज़ वो है ही ऐसा इंसान। पर मैं नहीं चाहती कि जितनी उसने मेहनत करी है ना यहाँ तक आने के लिए, वो दोबारा इस चीज़ में पढ़ के दोबारा, मतलब अपना करियर जो है, जो उसने सेट किया हुआ है, वो अपनी लाइन से हट जाए। मैं नहीं चाहती ये। मैं जानती हूँ उस इंसान को, शायद ही इतना जान गई हूँ इतने से दिनों में, किसी ने नहीं जाना होगा जितना मैं जान गई हूँ। दिन रात मैं उनके साथ रहती हूँ, रूम पर ही रहती हूँ, बातें होती हैं, लाइफ के बारे में भी सारी बातें हुई हैं, और जो भी उनके साथ हुआ, जैसा भी हुआ, सब जानती हूँ मैं उनके बारे में। तो ईशु की कोई गलती नहीं है, वो चाहने लगी, वो है ही ऐसा इंसान, कोई बात नहीं, हर कोई उसके उस पर फिदा हो जाता है, तो कोई उसकी भी गलती नहीं है। बट मैं उसको समझाना चाहती हूँ ईशु को कि देख, जो भी है, जैसा भी है, बात कर ले, फ्रेंड बना ले, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बताऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात कर ले, वो भी बात कर ले, बट ऐसा कोई रिलेशनशिप में आने का अगर वो सोच रही है तो इसी बेस पर मुझे उसे समझाना है कि ऐसा मत कर, और ना ही उस इंसान को ऐसा करने दे। फ्रेंड बना ले, बात कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ईशु को बुला के बात करती हूँ, उससे समझाती हूँ, जैसा भी अगर उसके समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, पर मैं नहीं चाहती कि वो इंसान दोबारा से इस चीज़ में पड़ जाए, अपना करियर ख़राब कर ले, जैसे कि उसने किया है। अभी तक भी इतनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अपनी वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो रिटर्न करे, जितना है वो चढ़ता चला जाए बस, जैसा भी है वो बहुत कामयाब हो जाए, बहुत ज़्यादा। मैं इतना ही चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो प्यार व्यार के चक्कर में दोबारा पड़ जाए। मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है कि मैं उसे मना करूँ या मैं सुजीत को मना करूँ, ऐसा कोई मैटर नहीं है। बट मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि लड़की अगर करती है ना, लड़के को प्रपोज़ या बात करती है, तो लड़का पिघल जाता है शायद ही, बट ऐसा नहीं है। मैं ईशु को बुलाती हूँ, उसको समझाती हूँ, जैसा भी होगा, अगर मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो उसकी मर्ज़ी है, बट मेरा समझाना उसका फ़र्ज़ है। मेरे दोस्त हैं वो, और ईशु भी मेरी दोस्त है, तो दोनों के लिए मैं अच्छा सोच रही हूँ, और कुछ नहीं है। तो मैंने बुला लिया है उसको, आती होगी तो देखते हैं क्या बात करती है वो, क्या नहीं, समझ आती है उसे मेरी, नहीं आती, जैसा भी होगा आप देखिएगा। A few moments later. Hello, Hello. कैसी है? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। बट क्या बात हो गई? कुछ ऐसे बुलाया था, और मतलब सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, घर पे सब बढ़िया थे। क्या कर दिया आजकल तो? वैसे जर्नलिज्म चल रहा है, सही? हाँ, थर्ड ईयर। आगे का? आगे इसी में जाना है। शादी वादी? अलग बात कर लियो। ऐसे ही फ्रेंड हो यार, मैं पूछ सकती हूँ शादी वादी कब कब लाने थे? जल्दी सोच रही हो? और उनसे बात हुई, नंबर लिया से? हाँ, सुजीत से और किन से? अरे आगे ही तो हुई थी उससे। नहीं, कांटेक्ट नंबर भी तो लिया था तूने? हाँ। तो बात नहीं हुई है? नहीं, बस ऐसे ही हाय हेलो, ज़्यादा ज़्यादा खास बात नहीं होती। होती है, मतलब बात पूछ रही है ऐसा, क्या हुआ, कुछ बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसी पूछ रही हूँ बस। अंकिता देख, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहती। देख, मैं तुझसे लड़ने नहीं आई हूँ। कुछ भी है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। इशू ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुझसे बात करने के लिए बुलाया तुझे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। तू मत सोच मैं तुझसे फिर से लड़ने आई हूँ। नहीं नहीं, देख मुझे पता है, हाँ देख, मैं भी नहीं लड़ना चाहती। देख, स्कूल में बहुत लड़ ली है, अब नहीं लड़ना चाहती मैं तुझसे, ठीक है? तो बस ऐसे ही बात करने के लिए बुलाया है मैंने तुझे। बता क्या बात है? तो अभी नॉर्मल बात चल रही है तेरी उससे या? नहीं, नॉर्मल अभी तक तो नॉर्मल चल रही है। मैंने उन्हें बताया था कि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आने लगे हैं वो, अभी से नहीं, बहुत पहले से ही। तो उन्होंने कहा है कि अभी हम फ्रेंड ही बन के रहेंगे, इससे आगे कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है? हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है। अच्छा, और तूने क्या कहा है उनसे? मैंने कहा है ठीक है, आप अपना टाइम दो, मेरे को सोच के बता देना। तो तूने उनसे बोला कि टाइम दे रही हूँ मैं आपको? नहीं नहीं, उन्होंने मेरे से टाइम मांगा सोचने के लिए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती ना। हाँ, फोर्स नहीं, उनकी मर्ज़ी है, अगर वो सोचने का टाइम चाहते हैं तो। तो उन्होंने ऐसा बोला, मैं सोच के बताता हूँ। हाँ,
देख ईशु, तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ठीक है, और शायद ही बहुत ही अच्छी है, ठीक है, जितना मैं कह नहीं सकती, बट वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तू नहीं जानती, अभी थोड़े दिन हुए हैं तुझे बात किए हुए, मिले हुए, जो भी है, जैसा भी है, तू उनके बारे में नहीं जानती, मैं जानती हूँ, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ आ गए हैं आज, कैसे आए हैं, कैसे ये सब अचीवमेंट उन्होंने ये अचीव की है, तू नहीं जानती, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि फिर दोबारा से वही सिचुएशन आ जाए, वही प्यार के चक्कर में वो पड़ जाएँ, फिर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती। प्यार में इंसान ग्रो करता है, आई नो दैट, कि ग्रो करता है। किसी काम के लिए मना नहीं करूँगी, कभी रोकूंगी नहीं, कभी उनके और उनके काम के बीच में एक दीवार नहीं बनूंगी। इशू जस्ट अ वेट, ओके। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ लाइक फिल्म चल रही है जैसे, सब कुछ प्यारा प्यारा होगा, जैसे हमारी थिंकिंग होती है ना, वैसे ही सोचते हैं कि हाँ सब कुछ प्यारा होगा, मैं कभी ना रोकूंगी उनको, ना मैं कभी लड़ूंगी उनसे, ना मैं उन्हें कभी कहीं जाने से रोकूंगी, ना कभी किसी चीज़ से मना करूंगी, जैसा वो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है इशू सब, और तू आई थिंक इस चीज़ को मुझसे ज़्यादा अच्छे से रियलाइज़ करती है। काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं तेरे जिनको तूने अच्छे से समझा है और उनके बारे में जाना है, बहुत अच्छी है तेरी जो है जानने की कोशिश, जो लोगों को जान लेती है, तो क्या कहते हैं उसे, याद नहीं आ रहा वो मुझे, बट मिस हो गया, लोगों को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, वो तेरे अंदर अच्छी है बहुत, तो शायद ही तो उनको भी नहीं जान पाई है, और जाने की भी कैसे, क्योंकि मिली नहीं है तो भी ना जाना इतना, ना कोई बात हुई है। देखिए शो, मैं तुझसे इतना ही कहूँगी, उनका पीछा छोड़ दे, ठीक है, मैं नहीं चाहती वो इंसान कामयाबी, ये उनकी मर्जी है, अगर वो मुझे अपनाना चाहते हैं ठीक है, इशू वो ऐसे इंसान है, सुन मेरी बात, वो नहीं जानते किसी की चालाकी, सच बताऊँ तो उनको जैसा बोलोगे ना वो वैसा ही कर देंगे, बस प्यार से कहने की देर है, प्यार से कह दो, दौलत ले लो, जान ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ सिर्फ प्यार से। तुझे पता है मैं कैसी हूँ और मैं ये सब तो चाहती ही नहीं हूँ, तुझे ये भी पता है। इशू तो चाहती नहीं है लेकिन तू चाहने लग रही है। तू ये बात क्यों कह रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, अब्सॉर्ब कर लिया है मैंने तुझे, आई थिंक तेरी अब्सॉर्बमेंट मेरे से ज्यादा अच्छी है, बट इस टाइम मतलब तू मार खा गई है, मैं दौलत के पीछे भाग रही हूँ। इशू गलत मत समझ मेरी बात, मैं तेरे को ये नहीं कह रही कि तू दौलत के, इशू मैंने क्या कहा है, मेरी बात सुन, लड़ मत, मैं प्यार से बात कर रही हूँ तुझसे, ठीक है, सिर्फ मैं उस इंसान को बचा रही हूँ इस चीज़ से, और आई थिंक तुझे भी बचा रही हूँ, तू फ्रेंड है मेरी इस वजह से। तू नहीं जानती उस इंसान के बारे में, मैं जानती हूँ, इतना टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ है कि संभलने में भी बहुत साल लग गए, यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत टाइम लग गया, मैं जानती हूँ सारी हकीकत, सारी ए टू जेड जानती हूँ मैं उनके बारे में, ए टू जेड। खाने को नहीं मिलता था उनको, खाने को रातों को भूखे सोए हैं वो, यहाँ तक ये मुकाम हासिल करने के लिए, फिर वही उस दलदल में जाने को छोड़ दो, एक अच्छा दोस्त कहा है उन्होंने मुझे, फिर छोड़ दो उस दलदल में जाने के लिए। दोस्त क्या करता है, एक दूसरे दोस्त को बचाता है ना हर गलत काम से, थोड़ा सा प्यार से बोलो वो इंसान हर बात के लिए राजी हो जाते हैं, हर बात के लिए। बस मैं तुझे इतना ही समझा रही हूँ, तो बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो मिल ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोंट लव प्लीज़ इशू, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़, हाँ प्लीज़। और मैं तो उसे कुछ नहीं कह रही, देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इशू, कोई भी, बस मैं उस इंसान को अब दोबारा उस जगह नहीं जाने देती जहाँ से वो इतनी मुश्किल से बाहर आया है, इतनी मुश्किल से। प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानियो यार, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और एक दोस्त का फ़र्ज़ होता है अपने एक दोस्त को बुरी चीज़ों से बचा लेना, गलत करने से बचा लेना, और गलत हो तो उसके लिए रोक लेना। इशू अंकिता मैं मानती हूँ तू उनकी दोस्त है, मैंने भी उन्हें पसंद किया है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है यार, वो है ही ऐसे, ठीक है, जो देखे वो पसंद कर ले, ये बता तू खुद जानती है ना, अगर इंसान एक बार कामयाबी हासिल कर लेता है ना, तो ना चाहने वाला भी इंसान उसको चाहने लग जाता है, ये बता, तो तू कैसे नहीं चाहेगी। मैंने तुझे गलत नहीं कहा है कि तू चाहने लगी, ये गलत है, बस मैं इतना कह रही हूँ जिस चीज़ से तू
तो मेरी बात समझ ले, वो चीज मत कर जो मैं बस मना करती हूँ। मैं भी उनका भला ही चाहती हूँ। तो तू भला चाहती है, लेकिन प्यार जब मिल जाता है ना, एक वर्ड पर्टिकुलर वर्ड मिल जाता है ना एक रिश्ते को, तो वो खराब हो ही जाना होता है। ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि इंसान हैंडल भी नहीं कर पाता है। प्लीज इसु मान जा मेरी बात, तू बात कर, तू मिल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डोंट लव इशू प्लीज। वो इंसान ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार प्यार के चक्कर में पड़ गया ना, तो सारा करियर खराब हो जाएगा, और मैं नहीं जा रही। अपने माँ बाप को छोड़ के वो आज यहाँ काम कर रहा है, कब से अपने मम्मी पापा से दूर है, उसके पापा उससे बात नहीं करते, क्योंकि अभी तक भी उसने कुछ नहीं किया था, आज भी बात नहीं करते हैं। पर शायद ही वो दिन आ जाए उनकी ज़िंदगी में कि उनसे सब प्यार से बात करें, उनके मम्मी पापा सब उनसे प्यार से बात करें। सब हेट करते हैं उन्हें, सब रोते हैं वो मेरे आगे कि मेरे पापा मुझसे बात नहीं करते। बुरा लगता है यार, हकीकत में बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि प्यार के चक्कर में वो पढ़ के इंसान फिर सबसे हेट हो जाए। प्लीज़ इशू मेरी बात मान ले, ठीक है? प्लीज़ ठीक है, नॉर्मल बात कर, और जो भी है जैसा भी है ऐसी बात मत कर कुछ भी प्यार व्यार के चक्कर। प्लीज़ तू मेरी फ्रेंड है, प्लीज़ यार बुरा मत मानियो। मैं तेरा भी भला चाहती हूँ और उनका भी। प्लीज़ इंसान बहुत मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसके पापा बस उससे एक बार मुस्कुरा के देख लें और गले लगा लें, बस यही चाहता है वो। इतना कामयाब होना चाहता है, इतना कामयाब कि बस एक बार उसके पापा उसको देख लें, मुस्कुरा के और गले लगा लें। उस दिन वो सब कुछ हासिल कर लेगा, वो उस दिन सब कुछ। इस प्यार व्यार के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा, भगवान के लिए ऐसा ही। हाँ ठीक है, प्लीज़ यार गुस्सा मत होइए, सब नहीं होंगे पक्का। चल ठीक है, चले कुछ खाने चले, कॉफ़ी पीते हैं। चलो आज तू भी लाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खिलाऊंगी, क्यों टेंशन।